हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और अब आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मैं और पुष्कर दोनों वीकडे आउटिंग पर जा रहे हैं। नहीं, आउटिंग नहीं, मतलब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा एक मॉल में जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो आप, 11 बजने वाला है। वो देखिए, ये थोड़ा सा फर्स्ट है, मतलब अभी बज रहा है 10:40। जी हाँ, 10:40 बज रहा है। ये थोड़ा सा फर्स्ट है, ये जो क्लॉक है ये थोड़ा सा फर्स्ट है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली लंच हम लोग उधर ही करेंगे, मैं और पुष्कर दोनों, माँ और बेटे दोनों एक साथ जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ छोटा मोटा चीज़ मुझे लेना है। एक्चुअली पुष्कर का जो शू है वो टूट गया है, एक टूट गया है और एक छोटा हो गया है। अभी जल्दी जल्दी, अभी जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसका मतलब शू जो होता है वो जल्दी छोटा हो जाता है, तो वो एक हो गया है और दूसरा टूट गया है। और भी है पर वो मतलब हर टाइम पहनने वाला नहीं है। कहीं जा रहे हो आप तो पहन सकते हो, बार बार वो पहनना मुश्किल है। इधर उधर जाने के लिए एक शू चाहिए, तो वो मैं लेने जाऊँगी। और छोटा मोटा कुछ चीज़ है जो लेने जाऊँगी। और पुष्कर भी बोल रहा है कि कब से कि KFC खाना है, तो वो भी खाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं माँ बेटे दोनों घूमने के लिए, क्योंकि कल से तो उसका मतलब कल पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, क्योंकि कल उसका रिजल्ट है और किताब मतलब बुक्स जो है कल ही मिल जाएगा, फिर से स्टडी शुरू हो जाएगा। आज हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि कल से वही मतलब पहले वाला रूटीन जो है वो चालू हो जाएगा, तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम लोगों के साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर। अभी हम लोग आए हैं फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए, मतलब लंच करने के लिए। तो पुष्कर KFC खा रहा है और मैं शावरमा लिया था, बहुत अच्छा था। हम लोग का लंच जो था बहुत अच्छा था। अभी हम लोग बास्किन रॉबिन्स में आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। अभी बज रहा है 2:00, 2:15। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि 2:15 हो गया है और
टैक्सी लेने के लिए रोड के उस साइड में जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग साबुए से रोड के उस साइड जा रहे हैं क्योंकि उधर टैक्सी बहुत इजीली मिल जाता है, इधर खड़े रहने से टैक्सी नहीं मिलता है। तो टैक्सी स्टैंड अलग है, मतलब इस साइड का टैक्सी स्टैंड बहुत मतलब दूर है, तो इसलिए हम लोग मतलब पैदल ही जा रहे हैं साबुए से। ऊपर से कुछ और खरीद के कुछ करने के लिए हम लोग जाते हैं और कुछ और सामान लेकर आते हैं। तो मैं कुछ चीज खरीदी, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं ये लिपस्टिक लिया है रिमेल का, ये जो आप मेरे अभी देख रहे हो मेरे लिप पर वही ये है। तो ये मैंने ये कलर मुझे, और ये मैट है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत देर तक बोल तो रहे थे कि 12 आवर्स तक रहेगा, मतलब 12 आवर्स तक तो ये चलेगा रहेगा आपके। सचमुच मैंने ये लिपस्टिक लगाने के बाद खाना खाया, सब कुछ किया, पर पता नहीं है आइसक्रीम खाया तो उसके बाद भी ऐसे के वैसे ही है, मतलब बिल्कुल कुछ ख़राब तो हुआ नहीं। तो ये रिमेल लंदन जो है लिपस्टिक वो मैंने लिया है, ये कलर रेड कलर का, लेकिन मैट का क्या है ना, मेरा मैट लिपस्टिक बहुत है पर मतलब खरीदने के टाइम, परचेज करने के टाइम वो लोग कहते हैं कि जो लेडी रहता है उधर वो कहते हैं कि ये मैट है और मैं ले लेती हूँ, टेस्ट उतनी अच्छी तरह से टेस्ट भी नहीं करती हूँ और ले लेती हूँ उसके बाद पे आकर, फिर जब घर में आके देखती हूँ तो वो नाम के ही मैट है, मतलब मैट नहीं है। तो वो मतलब थोड़ी देर के बाद ही वो ख़राब हो जाता है या तो उठ जाता है, कुछ ना कुछ मतलब ज़्यादा देर तक रहता भी नहीं है, और मैट तो बिल्कुल नहीं होता है, मतलब मैट का जो लुक होता है, मैट का जो फिनिशिंग होता है वो बिल्कुल नहीं है, वो ग्लॉसी टाइप का ही होता है पर वो लोग मैट करके मतलब सेल करते हैं। तो मैं बहुत बार मतलब 4-5 ऐसे लिपस्टिक मैट समझ के लिया है, लिखा भी है मैट पर बिल्कुल वो मैट नहीं है, मैट भी नहीं है और थोड़ी देर के बाद उठ भी जाता है, मतलब ऐसे ही उठ जाता है। तो इसीलिए मैं इस बार मतलब एकदम बिल्कुल पूछ के टेस्ट करके फिर मैंने ये लिया, तो पता नहीं देखते कैसा। ये रेड कलर है एक्चुअली जो मैंने लगाया है, ये एक लिया है। और बहुत दिन से मैं ऑयल कंटेनर ढूंढ रहा था, मतलब ऑयल कंटेनर, मतलब मेरे पास जो ऑयल कंटेनर है, मतलब ये जो है ये वाला, ये खराब भी हो गया है, ये ना अच्छा नहीं है ये कंटेनर एक्चुअली। इसको मैं ऊपर का जो ये कैप है ये मैं जब खोलने के लिए जाती हूँ तो पूरा निकल के आ जाता है ये, और इधर ये इतना लूज है, मतलब हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, हो गया है, तो इधर से बिल्कुल ऑयल गिरता है, तो बिल्कुल खराब हो गया है। मतलब मैं एक प्लास्टिक के एक कटोरी टाइप का है उधर, उसके ऊपर ये रखती हूँ पर ये बिल्कुल खराब है, तो ये मुझे पसंद नहीं है ये सिस्टम। तो मैंने ये एक छोटा ही मिला है, बड़ा मैं ढूंढ रही थी तो छोटा मिला है, ठीक है कोई बात नहीं, छोटा मिला तो भी कोई बात नहीं है, ये एक मिला है, ये अच्छा है, इसका जो ये भी बहुत बड़ा है, इस जैसा छोटा भी नहीं है, ऑयल इधर मतलब डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो है। और ये इसका जो कैप है इस टाइप का है, इस टाइप का है कैप, ये ऐसे करके गिरता, ऐसा आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, ये बहुत पसंद आया मुझे ये सिस्टम, क्योंकि ये जो इधर अगर खुला रहता है, वो बहुत सारा कंटेनर होता है ऊपर का जो स्ट्रॉ टाइप का होता है और खुला रहता है,
मुझे लगता है हमारे यहाँ तो मतलब इतना डस्ट आता है घर में, इतना धूल मैला आता है, तो उसके अंदर जरूर जाता होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ कैप हो जिसमें वो बंद रहेगा। तो ये कैप वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे पास है, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ये मैं खोलने के लिए जाती हूँ तो पूरा खोल के निकल के आ जाता है, पता नहीं है क्या है, ये पसंद नहीं है मुझे। पर ये मुझे बहुत पसंद आया इस टाइप का, ये देखिए ऐसे ऐसे खोलता है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं है, इस टाइप का ये ऐसे बंद हो जाता है। ये मुझे बहुत पसंद आया तो एक ही मिला इसलिए एक ही ले आए। और मेरा एक बीबी क्रीम खत्म हो गया था, मतलब पॉन्ड्स का बीबी क्रीम मैं यूज करती हूँ, वो मैंने लिया। ये तो मैं यूज करती हूँ, ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम जो है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है ये। और मेरा ये बेज कलर का मैं लेती हूँ, बहुत अच्छा होता है ये, अच्छा है। और एक मैं ट्रे लिया है, मुझे बहुत पसंद आया पता नहीं बहुत, ये 10 दिरहम का है, 10 दिरहम का है ये। तो ये मैं मुझे बहुत पसंद आया ये ट्रे, मतलब इसका जो शेप है मुझे बहुत अच्छा लगा। और छोटा मोटा मतलब एक कप इसमें जा सकता है, ये 2 ग्लास इसमें आ सकता है, बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बड़ा बड़ा ट्रे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे छोटा ट्रे पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, छोटा चीज़ बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने एक लिया, तो मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँगी मैं ये बहुत ही अच्छा, ये 10 दिरहम का है। और क्या लिया, हाँ और एक लिया है लॉरियल पेरिस का प्योर क्ले मास्क, चारकोल है ये, चारकोल मास्क है ये। मैंने सुना है ये अच्छा है पर पता नहीं ये कैसा होगा, मैंने कभी ये अप्लाई नहीं किया, पर मैंने सुना है ये बहुत ही अच्छा है लॉरियल का। मैं उधर भी सबको मतलब जो था वो लेडी जो खड़े रहते हैं दिखाते हैं शो करते हैं, वो उसको भी मैंने पूछा, तो बहुत सारे कंपनी का है, मतलब क्ले मास्क जो होता है चारकोल का ही बहुत सारे कंपनी का है, तो उसने बोला लॉरियल का बहुत अच्छा है। तो ये मैंने लिया, पता नहीं मैं अप्लाई करूँगी इसके बाद मैं आपको बता पाऊँगी ये अच्छा है कि नहीं। तो ये ऑल स्किन टाइप है, हाँ सारे हर स्किन में आप ये यूज़ कर सकते हो जी। फिर भी मैं ये अप्लाई करने के बाद ही आपको बता पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी ये अप्लाई नहीं किया, मैं कभी नहीं यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बस यही छोटा मोटा चीज़ ले लिया और लंच भी किया, बास्किन रॉबिन्स से आइसक्रीम भी खाई। 2 स्कूप होता है उसमें, वो एक कप में देता है, 2 स्कूप देता है, उसमें 1 स्कूप मैं खाई और 1 स्कूप पुष्कर। पर जो टॉपिंग होता है ना, छोटा छोटा केक बहुत कुछ, मतलब इतना सारा टॉपिंग होता है और क्रीम वगैरह, मतलब पेट पूरा फुल हो जाता है बिल्कुल, मतलब वो खाने के बाद पता नहीं बिल्कुल फुल हो गया पेट। तो बस अभी आ गई हूँ, अभी 3:15 हो गया है, शायद 3:15 ही होगा क्योंकि मैं 3 o'clock तक बोला था, हाँ 3:10 ऐसा ही होगा। तो अभी हम लोग ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, अभी ड्रेस चेंज करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, इसके बाद मुझे डिनर बनाना है क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं बनाया सुबह से तो ठीक है, बाद में आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 6:30 और मैं डिनर बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं डिनर में नूडल्स बनाऊंगी, मतलब वेज नूडल्स, वेजिटेबल दूंगी उसमें, तो वेज नूडल्स बनाऊंगी। शायद मैं ये आपके साथ शेयर किया था एक ब्लॉग में, वेज नूडल्स जो मैं बनाई थी आपके साथ शेयर किया था तो अभी मैं वही बनाऊंगी। और मेरा ड्रेस जो है बिल्कुल वाइट है, इसलिए मैं एक एप्रन पहन लिया है क्योंकि वाइट में बहुत जल्दी कुछ भी, मतलब सब्जी वगैरह भी काटूंगी या वो ऑयल जो है खराब कर देता है, मतलब कलर, मतलब वाइट में कुछ गिरता है तो वो मतलब क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं शुरू करती हूँ।
अभी मेरा जो मतलब कटिंग चॉपिंग है वो कंप्लीट हो गया है, अभी मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 7:15 हो गया है और जैसे कि हम लोग बहुत जल्दी मतलब डिनर करते हैं तो कम से कम 8:30 के अंदर तो कंप्लीट करना ही है, हो जाएगा, ये ज़्यादा देर नहीं लगता है, हाफ एन आवर में हो जाता है। अभी मैं कढ़ाई में चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर और चॉप ऑनियन को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें बाकी जो सब्जी है जैसे कि बीन्स, कैप्सिकम, गाजर, ये सारी चीज़ मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली रॉ है तो थोड़ा सा तो कुक करना पड़ेगा ही इसको, तो ऐसे ही मैं कुक कर रही हूँ। और उधर मैं जो नूडल्स है उसके लिए उसको बॉईल करने के लिए दे दिया है और अभी मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। तो सोया सॉस को डालने के बाद अच्छी तरह से उसको जो नूडल्स है उसको नूडल्स नहीं सॉरी जो वेजिटेबल्स है उसको अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा। अभी मैं नूडल्स डाल रही हूँ इसमें क्योंकि नूडल्स डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाना होगा। अभी ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस, ये तीन अच्छी तरह से मैं दूंगी और इस नूडल्स को अच्छी तरह से मतलब मिक्स करना पड़ेगा और हाई फ्लेम में करना पड़ेगा। हाई फ्लेम में करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और 2 स्पून से मैं कर रही हूँ। तो मेरा हो गया, अभी बज रहा है शायद मुझे पता नहीं है 8 o'clock हुआ नहीं अभी तक, मतलब 7:45 ऐसा ही होगा। तो मेरा जो है वो हो गया है, अभी थोड़ी देर में 8 बजेंगे तो हम लोग डिनर करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा निकल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं एक चीज़ लेने के लिए, तो तीनों एक साथ ही जाएंगे तो इसलिए मतलब जल्दी जल्दी डिनर किया। अभी बज रहा है 8:30 और आप देख सकते हो घड़ी उधर है, 8:30 बजा नहीं है, थोड़ा सा ये मतलब फास्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बाहर, तो बाद में आपसे मिलते हैं। और मैंने ये एक्चुअली लिप बम लगाया, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, अभी लिप बम लगाया, थोड़ा सा लाइट कलर आता है, चेरी कलर है ये, मतलब बहुत लाइट है कलर पर बहुत ही ग्लॉसी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं, अभी बज रहा है 9:45 मतलब 9:45 और मैं कोई काम करके नहीं गई थी। देखिए सिंक में पूरा बर्तन पड़ा है, इधर भी सब कुछ है, मतलब जो बच गया है मतलब नूडल्स वो भी पड़ा है। मैं बिल्कुल मतलब डिनर के बाद ही तुरंत मैंने ड्रेस मतलब चेंज किया और मैं निकल गई, कुछ चीज़ लेना था हम लोगों को, इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसी वजह से हम लोग तीनों ही गए थे। पुष्कर को तो यहाँ छोड़ के ऐसे ही नहीं जाते हम लोग इस तरह से, तो थोड़ी देर के लिए होता है तो जाती हूँ लेकिन बहुत दूर होता है तो थोड़ा दूर होता है तो मैं जाती नहीं हूँ इस तरह से छोड़कर, तो उसको भी साथ लेकर ही गई थी। तो अभी मुझे काम भी करना है, एक वीडियो मैंने अपलोड पे दिया है, मैं अभी अपलोड करूँगी, तो वो कर मतलब वो अपलोड पे देकर हम लोग चले गए, तो अभी पब्लिश नहीं किया, मैं वो करूँगी। उसके बाद ये बर्तन जो है वो धोऊंगी, उसको भी धोना है क्योंकि वो सब साफ सफाई बिना करके तो मैं सोती नहीं हूँ, तो वो सब करूँगी। सॉरी वो टीवी चल रहा है तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो ठीक है, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, एक लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको तो पता ही है एक बेल आइकन आ जाता है, उसको क्लिक करना पड़ता है, तो अगर आप वो क्लिक करोगे मतलब नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दोगे तो मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसके अपडेट्स जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट।